वैसे तो पीएम नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए पीएम आवास योजना की शुरुआत की थी, लेकिन नरसिंहपुर के चिचली में आज भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें इस योजना का पूरा लाभ नहीं मिल रहा। आलम यह है कि लोग अधूरे मकान में और तिरपाल के नीचे रहने को मजबूर हैं। इन घरों को देखिए और सोचिए कि जब किसी गरीब के सपने टूटते हैं तो उस गरीब की आंखों से आंसू तक नहीं निकलते। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी तमाम उम्र कच्चे घरों में बिता दी, लेकिन फिर उन्हें आशियाने का सपना दिखाया गया और इसी सपने ने उन्हें अब कहीं का भी नहीं छोड़ा। शायद ये लोग पक्के आशियाने का सपना देखते तक नहीं यदि पीएम आवास योजना शुरू न होती। नरसिंहगढ़ के चिचली के जीवन लाल ने भी इसी योजना के तहत पक्के घर का सपना देखा। इस योजना के तहत सरकार 2.5 लाख 3 किश्तों में देती है, जिसमें से पहली किश्त 1 लाख रुपए की होती है। जीवन लाल को पहली किश्त मिली तो उन्होंने अपनी झोपड़ी तोड़कर मकान का काम शुरू किया, लेकिन दूसरी किश्त अटक गई और आज तक घर अधूरा पड़ा है। घर बन रहा है मगर 8-9 महीना होगा, 9-10 महीना होगा जब से मतलब दूसरी किस्त नहीं डाली। तो दूसरे में पनी तान के रह रहे हैं, भोग रहे हैं, डाल रहे हैं, आज डाल रहे हैं, कल डाल रहे हैं, यही बोलते हैं। पूरी हमारी गरीब लोग, हमारे पास पैसा है नहीं कि निजी लगा के बना लें। अनिकेत की कहानी भी दूसरों से अलग नहीं। अनिकेत मजदूरी करते हैं, घर में बीमार माँ है और ऊपर खुला आसमान, जिसके नीचे तिरपाल लगाकर दोनों माँ बेटी सालों से रह रहे हैं। ना तो किसी प्रशासनिक अधिकारी ने इनकी सुध ली और ना ही कोई नेता आया, और अब यह दूसरी किश्त के आस में ऐसे ही बैठे हुए हैं। लेंटर के आवास योजना ये कब से नहीं निकला? ये साल भर हो गया। तो साल भर से आप ऐसे रह रहे हैं? ऐसे ही रह रहे हैं, पॉलिथीन के अंदर। ये माताजी भी ऐसे ही रहने को मजबूर है? ऐसा ही है। छोटी भाई पेशे से मजदूर है और बीते 1 साल से यह भी दफ्तरों के चक्कर काट रही है, लेकिन इनकी भी पीएम आवास योजना की दूसरी किश्त नहीं मिली है। इसी आस में यह भी खुले आसमान के नीचे बारिश में रहने को मजबूर है। अब पैसे नहीं डाले, उसे देख रहा है। क्यों नहीं डाल रहे? अब हम कहाँ मालूम। अच्छा, कब से ऐसा है आपका घर? आपका साल भर तो हो गया। साल भर से ऐसे ही रह रहे हैं? ऐसे ही रह रहे हैं। अच्छा, क्या बोलते हैं परिषद वाले? कहते हैं आ जाएंगे, जतारी का जाएंगे, बतारी का जाएंगे। अभी तक पैसे नहीं मिलते, तो अब क्या कर रहे हैं आप? अब क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, कमाई मजदूरी कर रहे हैं, खा रहे हैं। अच्छा, तो कुछ उम्मीद है? घर बन रोटी बना रहे हैं। अच्छा, किरण बताती है कि वे विधवा है और मजदूरी करके अपना घर चलाती है। बेटा 3 महीने से बीमार है और लॉकडाउन में काम भी छिन गया। बीते 1 साल से उन्हें भी पीएम आवास की दूसरी किश्त का इंतजार है। वह भी अपने बीमार बेटे के साथ खुले आसमान के नीचे तिरपाल लगाकर रहने को मजबूर है। मजदूरी करते, पति है ही नहीं। और फिर ऐसे झोपड़ी में क्यों रह रहे हैं आप? एक साल हो गया, पहले जब डरे, जब से फिर डरे ही नहीं। किस चीज का पैसा है? लेंटर, प्रधानमंत्री आवास योजना। हाँ, प्रधानमंत्री आवास। 1 साल पहले पैसा मिला था? हाँ। फिर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? नहीं पड़ी, गए थे तो हम डरते हैं, फिर डर ही नहीं। तो 1 साल से ऐसे झोपड़े में रह रहे हैं? झोपड़ी में रह रहे हैं। तो अभी क्या कह रहे हैं वो? कह रहे हैं डरने। हाँ 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 है। अभी तक डाला नहीं? अब तक नहीं डर। इसी प्रकार बेबी भी, वृंदा और सरिता भी पीएम आवास योजना की किश्त नहीं मिलने से परेशान हैं और अधूरे पड़े मकान में रहने को मजबूर हैं। अभी नहीं निकले भैया पैसे, निकलते तो बना नहीं लेते, पर साथ में टपरिया में रह रहे हैं, पानी डाल के रह रहे हैं। पानी डाली है, चलो 2-4 बाल्टी रखी है, रात का सो नहीं पा रहे। अधिकारी पास गए नहीं है, अधिकारी कहते हैं अब डालेंगे और उनके निकल गए पंचायत से, तो किसके पास जाएंगे भैया? कोई सहारा हो, अब हम अकेले हैं, वो लड़का आगा ले, किसके भरोसे रहेंगे? बरसात में कहाँ डाले रहेंगे? मकान बना नहीं? आप बना नहीं, ये तो डराया दूर। अब पैसे ही नहीं डराने लिए अंतर के, अब डर ही नहीं है, बड़े बड़े आदमियों को देख देख कर डर ना है। तो आपका क्यों नहीं डाल रहे? क्या बात, हम पैसा नहीं दे रहे जी, इसने डर रहा, पैसा दे दी थी डर दी। ऐसे ही में रह रहा है सर जी, लेटरिंग के गड्ढों पीछे जो धरती में गीले गाले में रह रहा है। आपने अधिकारियों से शिकायत नहीं की कि हम परेशान हैं? हमारे कई दाम तो कई भी नहीं, खुद पता है पैसा दे दा, 1 साल हो गया भाई, हम दूसरी किस्त डर दें। हाँ, पहली किस्त डर रहा है आदमी, दूसरी किस्त होना ही नहीं लिया। मजबूरी में आप ऐसे लेटरिंग के गड्ढे पीछे रह रहा है, पॉलिथिन डाल के और पानी डरी बहुत एक धंधा करते हैं, पानी मजदूरी करते हैं, धान लगाते हैं, मूंग काटते हैं, जी करते हैं। अब जाके अंजारा का जाके पैसा डाल देते, डाल दो तो आपको मकान खत्म मिल जाए। जब सरकार पैसे ही नहीं दे रहा होगा तो फिर तो रहे हैं, 1 साल हो गया मेरे है, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैंगे, गर्मी पूरे दिन हमने कहीं काटी हैगी, पूरी बरसात भी भाई जा रही है, तो सरकार पैसे देना चाहिए।
तो क्यों नहीं दे रही है सरकार? तो कह रही है हम सब गरीबों को अच्छा मकान तो देंगे। सब गरीब देने पर हमें तो दे, हम झोपड़ी में रह रहे हैं ना, एक साल हो गए रहे, बोले पैसा रुको है वो। अभी तक निकला नहीं, अभी तक निकलो नहीं है पैसा। बारिश में तो आपको बहुत दिक्कत होती होगी। अब दिक्कत हम भी अब समय काट रहे हैं वहाँ में, पूरी पूरी रात हम लोग भी नहीं सो, पांझा वहाँ से चूरा हो तो चूरा है, परेशानी हो रही, बहुत परेशानी हो रही हम लोगों की कहने के लिए। अब कब से हम लोग भी हमें जरा से बच्चे मानी पूरी गर्मी तो होता काटी है, जहाँ हम गर्मी काटी है तड़प रहा है हमारे बच्चे भी, मम्मी गई गर्मी लग रही है, अभी तक निकला नहीं, अभी तक पैसा नहीं निकला, कुछ बोल भी नहीं रहे, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। आपको बता दें कि नरसिंहपुर की चिचली नगर परिषद वही नगर परिषद है जिसमें करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार और परिषद कर्मचारियों ने गोलमाल कर अपने करीबियों को आवास योजना का लाभ दिलाने तक के आरोप लगे हुए हैं, जिसके चलते नगर परिषद के 9 दैनिक वेतन कर्मचारियों को निकाला भी जा चुका है। इस मामले में SDM सृष्टि जयंत देशमुख ने सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया। अब सवाल यही उठता है कि इस मामले में अधिकारी क्या कदम उठाते हैं, या फिर इन लोगों को उनके हाल में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज गढ़वाला।